अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा ईरानी कहवा तैयार करने की रेसिपी लेके आई हूँ। सर्दियों में ये कहवे का इस्तेमाल करें तो गला खराश वगैरह बिल्कुल ठीक हो जाता है, और वैसे भी बहुत ही टेस्टी सा ये तैयार होता है। तो बिना टाइम से आया कि यह रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून हमने ले लिया है कहवा बाज़ार से, बहुत ही आसानी से पंसार की शॉप से ये अवेल हो जाता है। 1 कप भर के हमने चीनी ली है, और 4 कप की मेजरमेंट है, और 4 कप के लिए 1 कप चीनी ली है मैंने। 2 अदद खूबसूरत से लेमन जाएंगे, और यहाँ पे हमने 4 से 5 पीस लिए हैं छोटी इलायची के सब्ज़ के, और 1 बादियन का फूल लिया है, और 2 छोटे पीस हमने दालचीनी के लिए हैं। तो बिना टाइम जाए कि रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। फ्लेम ऑन करते हैं। तो ये देखें जी, फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है, और 4 कप पानी जो है वो हमने एक पैन के अंदर डाल दिया। पानी के उबाल आने का वेट करेंगे, फ़ौरन से सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड नहीं कर देनी है। तो ये देखें, पानी के अंदर बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। इस टाइम पे आके आपने सब्ज़ी, इलायची, बादियान का फूल और दालचीनी को ऐड कर देना है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से उबलने देना है, और उबाल आने के साथ साथ इसको हमने इस तरीके से फेंटते जाना है। तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा इस कहवे के अंदर, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस टाइम अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलें जी, 2 से 3 मिनट इसको पका लिया है हमने। अब इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह देखें, अच्छे तरीके से उबाल आ चुके हैं। अब इसके अंदर हमने चीनी ये ऐड कर देनी है, और इसको भी अच्छे तरीके से कर देना है मिक्स। तो देखें जी, चीनी भी अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है, और बहुत ही तेज़ी से उबाल आने शुरू हो गए हैं। और इस टाइम पे आके ना कावा 2 टेबल स्पून जो आपके साथ शेयर किया था वो ऐड कर देना, और इसको फेंटते जाना हमने। तो माशाल्लाह चेक करें कितनी तेज़ी से उबाल आने शुरू हो गए हैं। और आपने इस टाइम पे आके ना बिल्कुल मीडियम फ्लेम कर देना है, और 8 से 10 मिनट के लिए इसको ऐसे पकने देना, उबाल आने देने आपने, और ऐसे हिलाते जाना आपने। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ेदार सा सब्ज़ कहवा हमने डिश आउट कर दिया है, बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।